नमस्कार, मैं हूँ दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। संचालक से टैरिफ टैक्स मांगने का मामला आया सामने। फुटपाथ पर काम करने वाले व्यापारियों की समस्याओं को लेकर विधायक प्रवीण पाठक ने लेडीज पार्क में एक बैठक की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सोसिंग द्वारा राज्य सरकार के 6 माह पूरे होने पर कांग्रेस कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता कर सरकार की पिछले 6 माह की उपलब्धियां रखी। और मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह एवं निकास सम्मेलन का आयोजन नगर निगम ग्वालियर द्वारा किया गया। अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लूटा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। विगत दिवस पर एक ऑटो चालक को लुटेरों ने शिकार बनाया और उसका कैश और मोबाइल लूट लिया। पीड़ित ऑटो चालक ने अपनी शिकायत हाटीपुर थाने में दर्ज कराई और कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लुटेरा चंगा जाटा और उसका साथी ग्वालियर में कई जगह लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है और हाटीपुर थाना पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो कई और लूट की घटनाओं और चोरी करने की बात आरोपियों ने कबूल की है। फिलहाल हाटीपुर थाना पुलिस आरोपियों से और पूछताछ कर रही है जिससे अन्य घटनाओं के बारे में खुलासा हो सके और यह पता चल सके कि इनके साथ कितने और आरोपी लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। थाने पर अजीत कुरैशी नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट किया था कि वो ऑटो चलाता है और ऑटो चलाकर अपने घर जब वापस जा रहा था तो रास्ते में छिंगा जाटव और बिक्की जाटव ने अपने साथियों के साथ उसको घेरकर उसकी मारपीट की और उसकी जेब से एक मोबाइल, एक उसका पर्स जिसमें 4500 रुपये, उसका ATM कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस था, उसे छीनकर मारपीट करके उस भाग। क्या बैकग्राउंड दोनों लोगों के? दोनों लड़कों के बैकग्राउंड जो आरोपीगण हैं उनमें से छिंगा जाटव थाने का आत्तन अपराधी है। पूर्व में भी उसके खिलाफ लूट और चोरी के अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। पुलिस ने शीघ्रता से कार्रवाई करके घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को पकड़ा और लगभग 10 घंटे में संपूर्ण लूट का खुलासा करके लूट में गया हुआ संपूर्ण मसरूफ का भी बरामद कर लिया। कहां की घटना है ये? ये सुरेश नगर के पास जो शासकीय मल्टी है उसके पास की। लव सेक्स और धोखा, जी हाँ, ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ इसी तरह की घटना हुई। दरअसल 16 साल की नाबालिग लड़की को एक लड़के ने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। परिसहमी लड़की को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक ने 30,000 रुपए ऐंठ लिए और बार बार अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए लड़की के साथ आरोपी युवक ने रेप किया। जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तो लड़की ने हाटीपुर थाना पुलिस में शिकायत में दर्ज कराई कि नितिन नगर में रहने वाले अमित डंडोतिया ने उसको झांसा देकर अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा। अभी तक 40,000 रुपये ऐंठ चुका है। पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक अमित डंडोतिया को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है जिससे पता चल सके कि आरोपी ने अभी तक कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। और पुलिस ने आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल फोन की छानबीन कर रही है जिससे यह भी पता चल सके कि आरोपी युवक के पास किसी और लड़की का असली वीडियो तो नहीं है जैसे वह ब्लैकमेल कर रहा हो। फिर उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया तो वो मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरी वीडियो बना के बोलता था पैसे ले गया, पर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी मम्मी के 2 चेक फाड़ के उसको दे दिए। क्या नाम है लड़की का? अमित डंडोतिया। कितने की चेक दिए, पैसे चेक फाड़ के दिए, नहीं पता कितने का चेक दिया, उसको खुद ने उसी ने भरा था। कितने पैसे निकाले मम्मी के अकाउंट में से? 23,000 रुपये। अच्छा जी बताइए कि कब मुलाकात हुई थी आपसे, उस कब कैसे ने कोई इसने कोई अश्लील फोटो वगैरह नहीं खींचे थे आपके जिससे ब्लैकमेल करता था? हाँ। क्या करा था? वीडियो बनाई थी बस। फिर आपने अपने घर वालों से बात करी? नहीं। तो कैसे मामला करवा रहे हो? मम्मी जब बैंक में पैसे निकालने गई थी जब पैसे नहीं थे उसमें, जब पता पड़ा। तो कितने दिनों से आपसे ब्लैकमेल कर रहा था? 19 तारीख से। मानपुरा 2 साल पहले आपकी दोस्ती हुई उससे? नहीं, 2 साल पहले नहीं, 7 तारीख को ही थी मेरी दोस्ती। किसके पिताजी क्या करते हैं? मुझे नहीं पता इसके पिताजी क्या करते हैं। दिनांक 16/6/19 को एक नाबालिग युवती ने आकर थाने पर रिपोर्ट किया कि पड़ोस में रहने वाला अमित दंडोतिया ने उसके साथ पहले दोस्ती की, उसके बाद ज़बरदस्ती उसके साथ बुरा काम किया और उसके बाद उसको धमकाया कि मैंने तेरे कुछ फ़ोटो वगैरह खींच लिए हैं और मुझे कुछ पैसे दे। लड़की अत्यंत गरीब परिवार से है, माँ उसकी बर्तन मांजती है। घर से पैसे मंगवाए उन्होंने तो उसने माँ के खाते में से की जो चेकबुक थी उस चेकबुक के चेक फाड़ कर उस लड़के को दे दिए। उसने लगभग 40,000 रुपये से निकाल लिए। किसका लड़का है ये? कौन ये लड़की के पड़ोस में ही रहने वाले
परिवार का लड़का है, ये रिटायर्ड CISF के संभवतः उप संभवतः DSP थे CISF के, यही नितिन नगर का रहने वाला, लड़की पास में रहता है। पुलिस ने शीघ्रता से कार्रवाई करके FIR पंजीबद्ध करके लड़की का मेडिकल कराया, उसके बाद घेराबंदी करके कुछ ही घंटों में लड़के को गिरफ्तार कर लिया, उसे पूछताछ की जा रही है, आज उसको न्यायालय पेश किया। लड़का अभी छात्र है। कॉलेज संचालक से डायरेक्ट टैक्स मांगने का मामला सामने आया है। कॉलेज संचालक को फोन करके रुपए मांगे गए। कॉल करने वाले ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो गोली मार दी जाएगी। फतेहपुर थाना पुलिस ने कॉलेज संचालक गौतम गोयल निवासी दड़पड़ कॉलोनी की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है और कॉलेज कर कॉल करने वाले ने अपना नाम मयंक तोमर बताया है। उसने 20 लाख रुपए की मांग की है और नहीं देने पर गोली मारकर उनके परिवार वालों से वसूलने की धमकी दी। दर्पण कॉलोनी में रहने वाले गौतम गोयल, जो कि नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि मेरे को पिछले कुछ दिनों से मोबाइल पर धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं जिसमें 20 लाख रुपए की मांग की जा रही है। उनके इस आवेदन पर से उस तथाकथित मोबाइल के धारक के खिलाफ धारा 384 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आगे भविष्य में विवेचना में संपूर्ण बातें स्पष्ट होंगी। क्या कौन धमकी दिया था, कौन है, नाम मालूम? उनका कहना है कि मोबाइल एक मोबाइल विशेष का धारक और वो अपना नाम मयंक तोमर बताता है। किस बात के पैसे मांगा? ये अभी विवेचना में स्पष्ट नहीं। उनका कहना है कि मेरा किसी से कोई उधार नहीं, पता नहीं किस बात के पैसे मांगा। गौतम जी क्या करते हैं? नर्सिंग कॉलेज के संचालक हैं, नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं। टैक्स मांगा? टैक्स टैक्स तो नहीं कहा जा सकता जब तक क्लियर ना हो जाए। फुटपाथ पर काम करने वाले व्यापारियों की समस्याओं को लेकर विधायक प्रवीण पाठक ने लेडीज पार्क में एक बैठक की और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। साफ करा लिया था, मैंने कहा कंपनी नहीं जाएंगे। और थोड़ी सी इतना कह दो, मतलब इतना बस कर दो कि शाम मेरे नंबर से फोन लगा कलेक्टर, मुझे कहा मैं विधायक हूं, फिर वो जो बोलना है सब बोल ले। अरे सर, मालिक आप होंगे, वो है आप हमारे बीच में रहते हैं। आपने पेपर पढ़ा होगा, कल भी मैंने कलेक्टर साहब की मीटिंग में कहा कि बाड़े वालों का क्या कर रहे हो बता दो भैया। आज कलेक्टर साहब खुद गए जगह देखने, आप पता कर लेना। यहाँ पे ऑलरेडी पार्किंग बन चुकी है, मैंने कहा पार्किंग नहीं रहेगी, यहाँ मेरे भाई रहेंगे, ठीक है। लगातार लड़ रहा हूँ, SDM साहब को बोल दिया, 6 से 10 दिन के अंदर हम लोग एक तो सर एक अब जो मैंने बहुत मायने हो जाते हैं वो वाला हिसाब हो रहा है इस वक्त का, बेल मरा हुआ डला हुआ उसकी आंखों में उंगलियाँ होती हैं। बस मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल अभी के समय चलो मैं एक अच्छे मतलब कपड़े कह रहा हूँ, मैं अच्छा मतलब तो मतलब उससे कुछ नहीं होता। मेरी बात है, आप जो बात मुझसे कह रहे हो ये बात सब जगह क्या है, कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। जब हैवी रोड बनती है, कोई रोड बनती है, हाईवे बनता है, जितने अगल बगल आते हैं मकान टूट जाते हैं, चिल्लाते रहो, कोई देखने आता है क्या? कौन मरा कौन जिंदा, कौन अपना मकान बना पा रहा है नहीं बना पा रहा? आज तक कितनी बार 15 साल में विधायक आया आपकी बात सुनने? किसने सोचा कि आपको पक्की दुकानें मिल जाएं? घर में बताओ, नहीं सोचा। जब मैं जाता हूँ तो मुझे सहयोग तो करो। आप कहोगे चलो मैं तो अभी आपके साथ यहाँ बैठा हूँ कि 2 घंटे साहब लगने दो, पर फिर आपका वो काम नहीं जाए। अब आप क्या कर लो, आपको करना क्या? नहीं नहीं नहीं, आप बोलोगे तो वो करने दूसरी बात, आप लोग व्यापारी लोग हो, नेता तो नहीं है, सबके सामने बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों पे ये 3-4-5 बड़े लोग जो हैं ये डायरी पे पैसा चलाते हैं, 100 रुपये के आपसे 500 रुपये लेते हैं। ये सब लोग खड़े हो यहाँ, PI साहब को भी नहीं लाया, किसी को भी पैसा वापस ब्याज सहित देने की आवश्यकता नहीं है। कोई आदमी इतना सा परेशान करे जो CI साहब करें सब कुछ लेंगे, कि डायरी वायरी सब बंद करें, समझ गए मेरे को? किसी से डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हारा ठेकेदार नहीं। जो ठेकेदार पहले थे 5-5 फुटपाथ बजा के आपसे 100-200 रुपये लेते थे, वो सबकी ठेकेदारी मैंने करा दी बंद। आपको जिसके 6 पढ़ते उसको भी एक ही दुकान मिलेगी, एक आदमी चमड़े बैठ सकता है, ठीक है? तो जिसकी आपको जो पढ़ पर बैठता था वही मालिक।
आवारा कुत्तों से परेशान लोग ठाटीपुर थाने में पहुंचे और आवेदन दिया कि आवारा कुत्तों की वजह से वे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एवं घर के बच्चे भी डरे हुए हैं। नगर निगम ने अब तक इन्हें पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। क्या परेशानी है आपको? हम प्रीतम बिहार कॉलोनी से हैं। हमें कुत्तों से, जो आवारा कुत्ते हैं, उनसे हमें बहुत परेशानी है। हमारे ना बच्चे खेल पाते हैं, ना हम लोग कहीं जा पाते हैं, ना हमें यहाँ कोरियर वाला कोई आ पाता है ना। और दूसरी चीज़, अभी हमने हर जगह शिकायत करी है और जो गाड़ी आती है कुत्तों की, तो वो लेके भी गई 2-3 दिन पहले और आज वो गाड़ी वापस छोड़ के गई। हमारे पास वीडियो क्लिप है। हम लोग बहुत परेशान, और हम लोग जब जिसके पास संरक्षण में हैं जिनके कुत्ते, उनसे हम शिकायत भी करते हैं तो उठपटांग गालियां देते हैं। क्या क्या नाम है जिनके वो जो संरक्षण देते हैं? रेनू सिंह करके हैं कोई। क्या करते हैं? हाँ, अब ये तो मुझे इतना वो नहीं है। कहाँ का मामला है? प्रीतम बिहार कॉलोनी का। हाँ जी, आपने भी शिकायत किया? हाँ, कलेक्टर वगैरह हर जगह हमारी शिकायत है, वीडियो क्लिप्स वगैरह है। हाँ, पुलिस स्टेशन आए हैं। हाँ, ठाटीपुर पुलिस स्टेशन में आए हैं और हम तीसरी बार आए हैं। नहीं नहीं, हुआ अच्छे से हुआ, पर ये दोबारा गाड़ी आके कुत्ते छोड़ के गई है, तब हम दोबारा आके शिकायत करने आए हैं। क्योंकि वो जब दोबारा कुत्ते आए हैं, इतने अग्रेसिव हो गए हैं। आज ही एक मोहल्ले में एक लड़के को पकड़ा है और इतने जोर से पकड़ा कि हम सारे मोहल्ले वाले जब भागे हैं, वरना तब जाके वो उसको, नहीं तो वो आज काट लेता उसको। हाँ, इतना कुत्ता, आवारा कुत्तों का आतंक है। और उसको, आवारे कुत्तों को बेल्ट पहना के रखा हुआ है कि कोई समझ ही नहीं पाए कि ये आवारा है या पालतू है या कुछ भी। आप लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते? नहीं निकल पाते, बच्चे खेल नहीं पाते, लोग बाहर नहीं निकल। यहाँ तक कि किसी कोरियर ऑफिस ने भी हमारी कॉलोनी का नाम रख दिया है कुत्ता वाली कॉलोनी। बिहार कॉलोनी से एक आवेदन आया था कि रेणु सिंह करके एक मैडम है जो कि पेट लवर्स हैं, आवारा कुत्तों को बुलाकर खाना वाना खिलाती हैं और वो आवारा कुत्ते गली में न्यूसेंस पैदा करते हैं और इस बात पर आपस में झगड़ा। तो दोनों पक्षों को बुलाकर मैंने समझाइश दी थी तो उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ ठीक है, अब हम कुत्तों की एक तो नसबंदी कराएंगे, साथ में अपने घर पर रखेंगे कुत्तों, लोगों को ना काटें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसी बात तो सामने अभी नहीं आई है, लेकिन इतना है कि नगर निगम को भी मोहल्ले वालों ने सूचित किया था और जब पुलिस मौजूद थी उस समय नगर निगम वाले भी कुत्तों को अपने साथ बाहर कर ले गए थे और थाने से भी हम उन्हें सूचना भेज रहे हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक सिंह द्वारा राज्य सरकार के 6 माह पूरे होने पर कांग्रेस कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता कर सरकार की पिछले 6 माह की उपलब्धियां रखी और बताया कि किस तरह प्रदेश सरकार अपने वचन पत्र के अनुसार कार्य कर रही है। सब मिलकर चले, सबके हितों की रक्षा हो और प्रदेश की उन्नति सुरक्षित हो, यही राज्य सरकार का संकल्प है। 9.72 लाख खाते और 10 CA खाते और 10.25 लाख एमपीए खाते, कुल 19.57 खातों के ऋण माफ किए गए, 20 लाख खातों के ऋण माफ किए। Thank you.
पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ हुए मामले के बाद पूरे प्रदेश के डॉक्टरों की हड़ताल से ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, लेकिन यह असर आंशिक ही रहा क्योंकि ग्वालियर शहर में निजी और शासकीय चिकित्सकों की संख्या अनुसार कम ही चिकित्सक हड़ताल में शामिल होते देखे गए। आज जो ये हड़ताल जो डॉक्टरों ने की है, इसका क्या कारण है, क्यों ये हड़ताल की जा रही है? सर, इसका मुख्य कारण है डॉक्टरों के प्रति एक गैर जिम्मेदाराना रवैया, जिसके द्वारा डॉक्टर्स को बचाने के जो एवज में उसको मारा पीटा जा रहा है, इल्लीगल तरीके से उस पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, केस लादे जा रहे हैं। तो डॉक्टरों के मन से ये शंका उठ गई है कि किसी सीरियस मरीज को लेना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से एक सौंदर्यपूर्ण वातावरण में काम करें, सीरियस मरीज को ट्रीट करें, किसी को मना ना करें। इसलिए डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी अभी कोई ऐसी नहीं है कि वो लागू नहीं हो पा रहा है, जिसको अच्छे तरीके से लागू किया जाए और डॉक्टर एक सौंदर्यपूर्ण वातावरण में काम कर पाए। तो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी कि आज ही की थी? नहीं, अभी तो एक सांकेतिक हड़ताल है, जिसको हम अगर नहीं मानी जाती है मांगे तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजीव थरेजा, फिजिशियन। संत श्रोमणी कबीर जी की जयंती के अवसर पर फूलबाग चौराहे पर शरबत एवं प्रसादी का वितरण कबीर कोली संघर्ष मंच द्वारा किया गया। संत कबीर साहब का 621वां जन्म उत्सव प्रतिवर्ष की भांति फूलबाग चौराहे पर शीतल जल, प्रसादी एवं शरबत का वितरण कर मनाया जाता है। वो कबीर कोली संघर्ष मंच द्वारा प्रतिवर्ष कबीर साहब का जन्म उत्सव फूलबाग चौराहे पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कबीर साहब ने क्या उपदेश किया है, क्या संदेश दिया? कबीर साहब ने संदेश दिया है, घर भैया अपनी छोड़ ग्रानी आज जाको रखे साइया, अपना सबका भला करिए, अपने साथ सबके दुख दर्दों में सहयोग कीजिए। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह एवं निकाह सम्मेलन का आयोजन नगर निगम ग्वालियर द्वारा किया गया, जिसमें पूरी रीति रिवाज से विवाह एवं निकाह संपन्न कराया गया। देश भर में जहां पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए जैन महिला परिषद शाखा ग्वालियर द्वारा सोमवार को नई सड़क स्थित 13 पंथी धर्मशाला में सीड बॉल बनाने का कार्य किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने मिट्टी के अंदर बीज रखकर बॉल बनाई, जिन्हें बारिश होने पर नगर के अनेक स्थानों पर रोपण किया जाएगा, जिससे वह जड़ से वृक्ष बन सकेंगे। Yeah.
ये जो दोनों हस्तियां हैं ये बहुत सामान्य हस्तियां नहीं है, ये हमें आसानी से आज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत अपने आप में बहुत साधारण कार्यकर्ता आपको लगेंगे, लेकिन इतनी बड़ी हस्तियां हैं, ये इस पूरे काम से जुड़े हुए हैं। आप देखिए उन्होंने पंचक शारदा बालराम को क्या बना दिया, सिर्फ ये इनके और इनके टीम के सभी के सहयोग से था, बिना किसी प्रचार के बिना किसी फंड के आप हम जो लोग सहायता करते हैं उसी से ये लोग हर जगह इनका प्रयास रहता है, छोटे छोटे डैम बनाना, इनके पास छोटी मशीनें हैं कई तरह की जिससे बॉल भी बनाते हैं, स्कूलों में डेमो देते हैं और निःशुल्क सभी की सहायता करते हैं। तो मैं गुणता और प्रीति का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, साथ ही साधना भाभी का कि उन्होंने मैंने उनको एक मैसेज किया और उन्होंने तुरंत। नीता जी, ये आज जो कार्यक्रम है ये किस टाइप का कार्यक्रम है? मिट्टी की छोटी बॉल बनाई जाती है और इसके अंदर बीज को रखे से सुखाया जाता है, फिर जब बारिश शुरू होती है तो जो हमें जंगलों को बढ़ाने में और जहाँ भी ऐसी जगह है हम इसे ग्रो कर सकते हैं, और ये प्लांट्स और ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है पर्यावरण संरक्षण। इन बीजों का रोपण कब किया जाएगा, कब और कहाँ किया जाएगा? बारिश शुरू होने वाली है, बारिश में हम इसको सुखा करके और इनको जगह जगह डालेंगे जहाँ भी पानी की उपलब्धता है और जहाँ हमारे पास कच्ची जमीन है वहाँ हम इसे डालेंगे। कितने बीज बनाने का लक्ष्य है आपका? 5,000 सीड बॉल बनाने का हमारा आज लक्ष्य है और इस मिशन से हम हमारा 1,000 करोड़ ग्वालियर में लगाने का जो वृक्ष लगाने का अभियान है उससे सहायता मिली। इस अभियान में आपका किसने सहयोग किया? मेरा प्रीति रोहित जी, उनकी टीम साधना भाभी जो महिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उनकी टीम रेनू पाटनी जी, सभी ने बहुत सहयोग किया। इस प्रोजेक्ट को जो लेके आए थे वो कौन था, कौन प्रोजेक्ट लेके आया आपके पास? मैंने रोहित जी और प्रीति उनकी टीम ये प्रोजेक्ट लेके आई थी और मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसके बारे में साधना भाभी को बताया। मुख्य समाचार एक बार फिर। संचालक किसे टैरिफ टैक्स मांगने का मामला आया सामने। फुटपाथ पर काम करने वाले व्यापारियों की समस्याओं को लेकर विधायक प्रवीण पाठक ने लेडीज पार्क में एक बैठक की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक सिंह द्वारा राज्य सरकार के 6 माह पूरे होने पर कांग्रेस कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता कर सरकार की पिछले 6 माह की उपलब्धियां रखी और मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह एवं निकास सम्मेलन का आयोजन नगर निगम ग्वालियर द्वारा किया गया। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।